नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। बता दें कि नीतिगत फैसलों के लिए समय समय पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी है और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट में कुल 16 मत आए। इसमें पहला मत जो था शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफी समय से लंबित था, जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सेंट्रल रिसोर्स पर्सन, इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 डीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली है और फास्ट फूड आइटम की जगह मोटे अनाज के इस्तेमाल को लेकर लोगों से अपील की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और एसोचैम की तरफ से श्री अन्न मेला रैली का आयोजन किया गया। ये यात्रा रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू हुई और श्री अन्न मेले रैली चौघान पाटा तक रैली का आयोजन हुआ। इसमें अनाज, मक्का, बाजरा, मंडुआ, कोणी जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने और डेली डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक किया, जिसमें स्कूल बच्चों ने हिस्सा लिया। ये 200 बच्चों की एक रैली निकाली है ताकि जो कॉमन पब्लिक है, जो अल्मोड़ा की जनता है, जिनके जीवन से मोटा अनाज अब गायब हो गया है, बहुत कम कंज्यूम होता है, उनको ये बताया जाए कि इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और इसको कंज्यूम हम जो रेगुलर हमारे डेली के फूड हैं, जैसे कि पिज्जा है, मोमोज है, मैगी है, उस तरीके से भी कंज्यूम किया जा सकता है। लोगों की जो धारणा है कि मंडुआ या जो मोटा अनाज है वो सिर्फ रोटी और चावल ही है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया है। बता दें कि मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसका समाधान एक सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा और शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अरबों रुपए की शत्रु संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराने की मुहिम जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों सरकार को राज्य में ऐसी 69 संपत्तियों के होने की सूची सौंपी, जिस पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि जिलाधिकारियों ने इन संपत्तियों की पहचान कर जिलाधिकारियों की ओर से कब्जे छुड़ाने की कार्रवाई के तहत नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों से संपत्तियां कब्जे में लेने की भी सूचना है। वहीं इस पर लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा है कि आजादी के बाद से इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अचूक संपत्तियों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है। आजादी के बाद इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और मैं समझता हूं कहीं संपत्तियों का, बहुत सारों का दुरुपयोग भी हो रहा है।
निश्चित रूप से सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया। तो नैनीताल के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी ने देहरादून स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी का कहना है कि वे 2 साल 8 महीने से नैनीताल में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं और अभी तक 29 साल की राजकीय सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी अभी तक उन्हें सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि यह जूनियर डॉक्टरों को संयुक्त निदेशक पर प्रमोशन दे दिया गया है। उनका कहना है कि सितंबर 2012 को उन्हें चिकित्सक अधिकारी के पद पर प्रमोशन मिला था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया गया और पूछने पर कई सालों से ईसीआर खराब होने का हवाला दिया गया। उनका कहना है कि उनके ईसीआर में कोई कमी नहीं है। और मेरा 2013 से अब तक 10 साल से ऊपर का समय हो गया, मेरे 2 प्रमोशन पेंडिंग हो गए हैं, एक प्रमोशन संयुक्त निदेशक का, दूसरा अपर निदेशक का, जबकि मेरे सभी जूनियर जो मुझसे 1 साल से 3 साल तक जूनियर है वो सब मतलब अपर निदेशक स्तर का प्रमोशन का लाभ पाकर के जिला चिकित्सालय के PMS बनने बैठे हैं या जिला के CMO बना दिए हैं। और ये मेरा भी हक है कि मुझे भी किसी जिले का CMO बना देना चाहिए था या किसी जिला चिकित्सालय का PMS बना देना चाहिए था, अभी तक नहीं बनाया गया। तो वहाँ के कुछ डॉक्टर और कुछ कार्मिक, कुछ रिटायर्ड भी हैं, कुछ वर्तमान कार्मिक नौकरी कर रहे हैं, तो ये लोग इन्होंने एक प्रतिज्ञा ठान रखी है, मतलब एक नकारात्मक पकड़ की कि इसका प्रमोशन डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी को होने नहीं जाए। जसपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, निवार मंडी में अतिक्रमण पर कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हुई कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको बता दें। गांव के ही निवासी ने डाली थी याचिका, अतिक्रमण हटाने की डाली थी याचिका। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्व विभाग ने 20 परिवारों को नोटिस दिया था, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी जसपुर से, निवार मंत्री में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये कार्रवाई की गई है। गांव के ही निवासी ने याचिका डाली थी और अतिक्रमण हटाने को लेकर ये याचिका डाली गई, राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी, निवार मंत्री में अतिक्रमण पर कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा, निवार मंडी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जसपुर का ये पूरा मामला, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये कार्रवाई हुई है, गांव के ही निवासी ने डाली थी याचिका। तो हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो गंगनहर से लावारिस लाश निकालने वाले जलवीर मोनू का आशियाना आंधी तूफान में उड़ गया। आपको बताते हैं कि बीती देर रात गांधी तूफान के साथ बारिश भी हुई है, मगर इस आंधी तूफान में निस्वार्थ सेवा करने वाला जलवीर मोनू का आशियाना भी उड़ गया। मोनू जलवीर लंबे समय से रुड़की गंगनहर से शव निकालने का और लोगों को डूबने से बचाने का कार्य करता आ रहा है। मोनू रुड़की में गोदाम से आके गंगनहर के किनारे अपने परिवार के साथ झोपड़ी पट्टी डालकर रहता था, जिसमें उसके साथ साथ माँ बाप और उसके बीवी बच्चे रहते थे, लेकिन रात में आई इस आंधी तूफान से उसकी झोपड़ी उड़ गई। मोनू का कहना है कि एक यही एक सिर छुपाने के लिए आशियाना जो कि आंधी उड़ा ले गई। उड़ गया, 2 बजे की आंधी चली गई तो उड़ गया, सारा पन्ना फट गया, सारे बाग बाग टूट गए, काउंटर था वो सारा टूट गया, दुकान का सामान था सारा उड़ गया। तो सहारा देने वाले का सहारा छीना है। जो आपको बता दें कि तेज आंधी ने मोनू जलवीर की झोपड़ी तक उड़ा दी है और अब मोनू जलवीर के पास कोई भी रहने का जगह नहीं है। आपको बता दें मोनू जलवीर गंगनहर के पास रहता है और वहां पे डूबने वालों को तो बचाता ही है, इसके साथ ही जो शव वहां
तैरते मिलते हैं उनको भी बाहर निकाल कर लाता है मोनू जलवीर। और इससे पहले भी मोनू जलवीर ने कई बार प्रशासन से मदद की अपील की थी कि वो लगातार ये काम कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा। और इसी बीच तेज आंधी तूफान ने उसके घर को ही उड़ा दिया, जिससे मोनू के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं। मोनू अपने माता पिता बीवी बच्चों के साथ यहां रहता था। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में मिलेट कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया था। और अब गौर करने वाली बात यह है कि जिन पोस्टों को उन्होंने मिलेट के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल के बाहर लगाया था, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर ही गायब थी। जबकि मिलेट कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री खुद उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बड़ा कद अब कृषि मंत्री गणेश जोशी अपना समझने लगे। इस पर लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मिलेट कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, जिसकी मुख्य उद्देश्य मोटा अनाज लोगों के घर घर तक पहुंचे, वहीं इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने कहा है कि चार दिन मिलेट कार्यक्रम का प्रोग्राम चले उसके बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन समाचार पत्रों में छप रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम पूरे विज्ञापन में छोटे अक्षरों में कहीं कोने में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ एक व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी छाए हुए थे। बिल्कुल, यहाँ परेड ग्राउंड में काफी दिनों से एक मेला चल रहा था और उसके बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन सारे समाचार पत्रों में छप रहे थे। मुख्यमंत्री का नाम कहीं पर कोने में दिखाई पड़ रहा था छोटे अक्षरों में, लेकिन पूरे विज्ञापन में सिर्फ एक व्यक्ति छाया हुआ था जिसको छपा सा रोग है, और वो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गणेश जोशी कुछ भी हो, यहाँ प्रदेश के मंत्री परिषद का एक हिस्सा है। कहीं नहीं है, सभी अखबारों में जहाँ पर भी विज्ञापन छपा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी फोटो है, पूरी तरह से जैसा एक डॉक्टर मधु उसमें विज्ञापन में आया है। लेकिन जिस प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय अपने कृषि मंत्री गणेश जोशी जी का, कि जिस तरह से हमारे एसोसिएट प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने श्री अन्न योजना जो लागू की है, उससे जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार से जो मोटे अनाज हमारे उत्तराखंड में होते हैं, उनको विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलने वाली है। तो लालकुआ की नगीना कॉलोनी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उप जिलाधिकारी मनीष कुमार और एसपी सिटी सरदार हरबंस सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को कार्रवाई की। इस दौरान नगीना कॉलोनी वासियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भारी विरोध भी किया, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। शुरू में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, बाद में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रशासन ने लगभग 300 से अधिक घरों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अपने काम से मतलब है, जब काम जब वोट चाहिए होता तब तरह यहाँ पे आके वोट मांग लेंगे, जब काम निकल गया तो बस सीधे गोली। आज की बात कद्दू कर रहे हैं वो, विकास की बात ऐसे होती है क्या लगता है? उन्हें पता होगा ना, उन्हें पता होगा कि वो कौन सा विकास करना चाह रहे हैं। तो खाली जगह पड़ा हुआ है वहाँ पे विकास करने के बजाय वो लोगों को यहाँ से बस्ती में से उखेड़ के वहाँ पे विकास करने की बोले, यहाँ क्या 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 करेंगे, क्या विकास करेंगे? जिसको बहुत पहले से रेलवे ने इनको नोटिस दिए हुए थे कि आप नियत समय के अंदर खाली कर लें, और जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर रेलवे को अपना एक्सपेंशन के लिए, कई नई ट्रेनें अनाउंस हुई हैं इसके लिए उनको एक्सपेंशन के लिए जमीन की जरूरत है, उसी क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण तो बहुत है, लेकिन चूंकि चरण वाइज होगा और प्रथम चरण में जो अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है उसमें लगभग 84 झोपड़ियों के आसपास। और हम ये लड़ाई 3 साल से लड़ रहे हैं, और जो मामला है यहाँ का कि रेलवे कह रही है कि ये हमारी है, लेकिन इतना सूचना के अधिकार लगाने के बाद हमको कोई साक्षी नहीं मिला है, और रेलवे का दावा झूठा है, ये हम नारा भी लगा रहे हैं। क्या चाहेंगे हम लोग, हमारे तो है घर से बेघर हो रहे हैं, हमारे तो सभी छूट जा रही है,
कुछ नहीं, सरकार कहाँ सुन रही है, सरकार नहीं सुन रहा है कोई, नहीं सुन रही सरकार ने कह दिया कि रेलवे की रेलवे तो लेके रहेगी, हम क्या कर सकते हैं। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर, साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, कितने वर्ष हो गए करीब, हो गए 26-27 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 120 करोड़ की सौगात हरिद्वार को दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित इंद्रलोक फेज 2 ने 9 योजनाओं का लोकार्पण और 7 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास व विकास योजना के तहत 528 फ्लैट की चाबी स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा लाभार्थियों को दी गई। हरिद्वार के सौंदर्यकरण और विकास की मुहिम को आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री ने 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हरिद्वार रूर्की विकास प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड समय में 40 करोड़ से अधिक लागत में फ्लैट का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प के द्वारा ही यह संभव हो पा रहा है कि हर गरीब को अपना आशियाना मिल सके। साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसते हुए कहा कि लोग इसी से फर्क जान सकते हैं कि आजादी के बाद से 8 लाख घर बने, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 सालों में अब तक 4 करोड़ मकान देश भर में गरीब जनता को दिए जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहाँ की चाबी सौंपी आज आपको? हाँ जी, कहाँ की चाबी सौंपी है आपको? सामने के फ्लैट, फ्लैट के सामने फ्लैट की। कब से चाह रहे थे कि मकान हो अपना? चाह ही रहे थे, जब था ही नहीं तो चाह ही रहे थे। इन्होंने हमारा सपना पूरा कर दिया, मोदी जी ने गरीबों का सपना पूरा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आजादी के बाद कुल बने थे। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की हुंकार मेरठ से भरेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी जून में प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आगमन पर भी आना है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए लगातार अभियान भी चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रैली निकालेंगे, जिसको लेकर उन्होंने नेताओं को दिशा निर्देश दिए। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले तो लोकसभा क्षेत्र की जो हुंकार है वो मेरठ से भरने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है उत्तराखंड में भी हमारा आगामी जो है आमंत्रण उनके लिए है, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और महासंपर्क अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए आगे चुनाव जो आ रहे हैं उसके लिए कार्य करें और सभी लोगों को चुनाव के लिए समीक्षा करके तैयार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उनकी इस पहल का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने हरीश रावत को लेकर कटाक्ष भी किया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही है। पूर्व सीएम रावत के अनुसार वे अपना समय उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार अल्मोड़ा को देंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत एक अच्छी पहल करने जा रहे हैं, इससे कांग्रेस मजबूत होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस और हरीश रावत दोनों पर निशाना साधा और हरीश रावत के कार्यकाल को लेकर सवाल किया। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस तय करेगी और कांग्रेस में एक उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने डायलॉग कहा कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं होते। अब हरीश रावत जी ट्विट 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 गेम खेलते रहते हैं। अब हरीश रावत जी को जब मौका मिला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का, तब उन्होंने उत्तराखंड को क्या पहचान दिलाई सभी लोग जानते हैं, एक शराब की ब्रांड से पहचान होने लगी कांग्रेस सरकार। तो हरीश रावत जी कभी कहते हैं कि मैं वनवास ले लूंगा, अब युवाओं को आगे आना चाहिए। हरीश रावत जी और कांग्रेस उत्तराखंड की कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज पार्टी आज कांग्रेस बनके उत्तराखंड में रह गई है। पहले हरीश रावत जी अपने बयानों को टटो ले। हरीश रावत जी इस स्थिति में है कि वो कभी कहते हैं कि मैं
चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, कभी कहते हैं कि मैं यहाँ शरणस्थली बनाऊंगा। पहले तो अपना कंफ्यूजन हटाएं। निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने ठीक ही कहा है, और इस समय कांग्रेस को सत्ता में लाना पहला उद्देश्य होता है। हमको 2017 और 2022 की हार से सबक लेना पड़ेगा, सारे नेताओं को सबक लेना पड़ेगा कि इतनी अप्रत्याशित हार हुई कैसे, इस पर भी मंथन करना पड़ेगा। और हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है, कोई बात लिखा है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार होना चाहिए और विचारणी भी है। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम चुनाव हार गए और कैसे हार गए ये पता नहीं चलता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री चिंतन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस इस उपचुनाव में रंजीत दास और प्रदीप टमटा में से किसी एक को मैदान में उतार सकती है। उन्होंने बताया कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उपचुनाव में इस सीट को लेकर हाल में अपने पाले में 19 विधायकों की संख्या को 20 तक ले जाना चाहती है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने रंजीत दास को टिकट दिया था, जो त्रिकोणीय मुकाबले में चंदन रामदास से 12,000 से अधिक मतों से हार गए थे। नहीं देखिए, चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा इसका निर्णय पार्टी हाईकमान। निश्चित रूप से पिछले चुनाव में रंजीत दास हमारे उम्मीदवार थे, 12,000 वोटों से पराजित हैं। और भी कई विकल्प हैं हमारे पास, बड़े नेता है भी हमारे पास। जो भी निर्णय होगा वो पार्टी हाईकमान करेगा, जो भी नीचे से कार्यकर्ताओं की राय आएगी, जिसके पक्ष में राय आएगी पार्टी उसको उम्मीदवार बनाएगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सत इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। Hey, listen, I can download a song.